जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलनी विद दुर्गेश में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण की एक महामैराथन सीरीज है जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण, हिंदी शिक्षण, गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहाँ पर एकमात्र उद्देश्य है आपको सीटेट की परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कराना। बेहतर अंक अर्जित कराने के दृष्टिकोण से मैं और मेरी टीम आप सभी के साथ है। ये क्लास खत्म होने के बाद क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए जो भी साथी इलनी विद दुर्गेश से जुड़े हुए हैं, जो साथी इलनी विद दुर्गेश से लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप इस तथ्य को आराम से पढ़ते चले और साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उनके आप स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखते चले। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर महत्वपूर्ण MCQ की सीरीज करा रहे हैं और ये सीरीज आपकी प्रतिदिन इलनी विद दुर्गेश होगी। जो भी क्लास होगी, क्लास खत्म होने के बाद PDF और क्लास दोनों हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो भी साथी टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सबसे पहला काम ये करे कि टेलीग्राम पे जुड़े हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे क्लास के सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होती है वहाँ पे जाती है। और जब भी क्लास में जुड़े जब भी, तो क्लास को अंत तक पढ़ें। जब तक अंत तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये मामला समझ में नहीं आएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा और आपने क्या पढ़ा। इसलिए क्लास के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की सीरीज की तरफ। ठीक, तो बिना समय गंवाए अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। मान इसमें से निम्नलिखित में से चार विकल्प दिया गया है। चार विकल्पों में से आपको यह बताना है कि प्राथमिक विद्यालय में जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य का जो निरूपित है वो कौन सा इसमें से, बस यही आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है। ठीक, तो सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं इसमें दिए गए विकल्प का कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो सभी लोग फटाफट, जो भी लेने में दुर्गेश को लाइव देख रहे हैं, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें सभी साथी। अब यहाँ पे मैं एक एक करके प्रश्नों की व्याख्या कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ। पहला कह रहा है कि अपने बच्चे ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ानी है। तो मैं पहले बता दूँ यह विकल्प गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को सूचनाओं से बचाना है, उन्हें याद नहीं करवाना है। ये कहाँ मिलेगा? यह NCERT में, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? NCERT मिलेगा। मतलब अगर आपने NCERT की NCF सीरीज पढ़ी होगी, NCERT की अगर NCF पढ़ा होगा, तो NCF ये कहता है कि बच्चों को सूचना मात्र नहीं बनाना है, उन्हें में सुनिश्चित खुराक का ग्राहक नहीं बनाना है। इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। फिर कहता है कि विद्यालय बच्चों के अनुभव को बाहर दुनिया जोड़ना। जी हाँ, NCF 2005 ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़कर रखना, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना। तो यह बात हमें और आप सभी को ये पता होगा कि बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना, इसका मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर यह सही है। फिर कह रहा है शब्दावली और परिभाषा। तो याद रखिएगा, बच्चों को शब्दावली परिभाषा याद नहीं करवानी है। फिर कह रहा है तकनीकी शब्दों का आकलन। तो कठिन शब्द, तकनीकी शब्द, इन सबसे हमें एम दो रखना है बच्चों को। तो अंतोगत तो हमने ये देखा कि दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो यहाँ पे क्या है, दूसरा या बीस का राइट आंसर है। क्या है? दूसरा अथवा बीस का सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। और कल से नया डेट से नया टाइम टेबल मिलेगा, इसलिए आज की क्लासेस कुछ आगे पीछे रह गई। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न साफ साफ कह रहा है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माने जो दत्त कार्य होता है उनमें से कौन सा कार्य सही है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहला काम सीटेट में अगर बेहतर स्कोर करना, शिक्षण को कम्प्लीट करना है, तो भैया आपको हमारे साथ भी अपना मेहनत करना पड़ेगा। बस आपको पहले ये बताना होगा कि दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें। कह रहा है कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। देखिए, अनुकरण, याद, कंठस्थ, ये आपको नहीं करना है। ये मैं शब्दावलियाँ हैं, इस शब्द के आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर आप बता लेंगे, नहीं ये गलत है या सही है। फिर हम आगे ऊपर चलते हैं। फिर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य हो सकता है। जी नहीं, यह भी हो सकता नहीं है। फिर कह रहा है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों, बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। जी ऐसा भी नहीं है। फिर कह रहा है दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने में, हाँ बच्चे खोज सकते हैं, अपने विचारों का निर्माण करने में, बच्चे अपने विचार का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उच्चारित करने में का अवसर प्रदान करता है, उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का विकल्प
ए यहाँ पे सही है। मैंने वे सभी साथी जिन्होंने इस प्रश्न का विकल्प ए बताया है उन सभी के प्रश्न पूरी तरह से सही हैं। एक छोटा सा काम है आपसे, एक रिक्वेस्ट भी है कि सबसे पहला काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दें और अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दें। इतनी कृपा आपको करना है कि सीटेट की सीरीज जो भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहला काम आप प्रश्न का जवाब दिया करिए, दूसरा काम वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा शायद, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग निर्दर्शन किए जा सकते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही और उपयुक्त जवाब देंगे। तो भैया बिना समय गंवाए सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके अपना जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब भी देते हैं और अपने साथी मित्रों को शेयर भी करते रहे, यार इतना काम तो करिए आप लोग। चलिए आइए हम इस तथ्य को भी यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कहना, तो सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सरल प्रयोग और निर्दर्शन नहीं किए जा सकते। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हो तो बच्चों को नियंत्रित करना, तो आपको याद रखिएगा कक्षा में आपको अनुशासन नहीं रखना है क्योंकि आपकी कक्षा जीवंत कक्षा होनी चाहिए, यह मैं लगातार रटाते हुए आपको आ रहा हूँ। फिर कह रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करना, ये भी नहीं करना, सिखाना नहीं है। बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए कहना, मतलब दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प है वो तीसरा अर्थवाद सी इसका राइट आंसर है। मैंने जिन साथियों ने इसका दिए गए प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। सीटेट में इस तरह से शिक्षण शास्त्र में इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसलिए जो भी साथी लर्निंग विद्रोह से जुड़े हैं वे सभी सबसे पहला काम करें इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करें, अपने स्टेटस पर डालें। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप प्रश्न की व्याख्या समझें, क्योंकि प्रश्न कितना भी पढ़ डालिए जब तक उसकी व्याख्या क्लियर नहीं करेंगे परीक्षा में प्रश्न आएगा और आप कर नहीं पाएंगे। जरूरी नहीं जो मैं पढ़ाऊँ ऐसा ही प्रश्न आए, कि हाँ ये जरूर जरूरी है इसकी अगर मैं व्याख्या आपको करा दिया तो चाहे जहाँ से प्रश्न आए आप पूरा अंक अर्जित कर लेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न कई बार आपके सामने आ भी चुका होगा और उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, तो आपकी संख्या बेहद लगातार कम हो रही, तो जो लोग साथी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वे सभी साथी पहले काम वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग शेयर कर दें। दुर्गा एक गाँव में रहती है, दुर्गा कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। वो क्या करती है, वो चूल्हे पर खाना पकाती है गोबर उपले का उपयोग करके। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आई, इसका कारण क्या है, पिछले 3 महीनों में उसे लगातार खांसी आ रही है इसका कारण क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, यह चीज़ आपको एनसीईआरटी मिलेंगी। अभी तक मैंने जो बताया मैं हर प्रश्न को ये बताता हूँ, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी, अगर आपने मेरी नोट्स पढ़ी होगी या पेड क्लास में जो थोड़ा सा मेरी क्लास थी उसके लास्ट में आपने देखा कक्षा 5 के एनसीईआरटी में है कौन एनसीईआर 2005 का है, कौन आरटी 2009 का है। मैं प्रश्न कराते समय मैं इस बात का विशेष ख्याल रखता हूँ कि कौन प्रश्न कहाँ से आया है, किसकी जगह से आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना, खासा ख्याल रखना जरूरी होता है। तो फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न में क्या होगा कि जलते हुए ईंधन के धुएं से एलर्जी हो गई है, उस झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है, ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है, जले हुए धुएं से उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही होगा। अगर एनसीईआरटी आपने पूरी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। और याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक शब्दावली है और इस शब्दावली का प्रयोग एनसीईआरटी में नहीं किया गया है और इसलिए इसको सीओ गैस कहते हैं, इसे दमघोटू गैस कहा जाता है, लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय कक्षा में नहीं है। मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि हमें एनसीईआरटी के बाहर जाकर उत्तर नहीं देना, इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, हमारे नोट्स भी एनसीईआरटी में है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे वहाँ भी एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी का मेन मकसद ये होता है कि वह यह बात स्पष्ट कर देता है हमें एनसीईआरटी के दायरे के बाहर नहीं जाना, इसलिए यह इसका विकल्प सही नहीं है। इसका विकल्प क्या होगा, चौथा यहाँ पर राइट आंसर होगा, चौथा यहाँ पर सही होगा। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, सभी लोगों ने ये प्रश्न को गलत किया, ये सीटेट 2011 का पूछा प्रश्न है और आप ऐसे प्रश्नों को गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग ठीक। तो यहाँ पर इसलिए जानते रहेगा कारण मोनोऑक्साइड यह है एक शब्दावली है, यह है एक इस तथ्य को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी होगा न कि सी होगा।
ठीक है। और ये पूरी लाइन हूबहू लाइन एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ की आसपास की किताब में दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ के आसपास की किताब में ये पूरी लाइन हूबहू दी गई है, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो तो एनसीईआरटी क्लास इलेवन में दुर्गेश पर है, आप उसे जाकर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की नोट्स आप पढ़ लें, और ये सभी चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं सारे प्रश्न आपके सही होंगे, इस बात की गारंटी है। और सीटेट इस बार हर हाल में आप पार होंगे, लेकिन इसकी व्याख्या समझना जरूरी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक है जिसे पूरा प्रदेश मानता है। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर इलनी भी दुर्गेश पर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स भी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम ये बात करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, बच्चों को मैदान के बाहर खेलने के लिए जाएंगे। जी हाँ, बच्चों को खेलने के लिए ले जा सकते हैं, मतलब ये कुछ हद तक सही है। फिर कह रहा है कि बच्चों से कहेंगे वो डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, जी नहीं, आराम की बात तो करनी नहीं है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, जी ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बच्चा ए और सी, तो ए और सी में मैंने एक ट्रिक बताया था सीटेट में कि जो प्रश्न का उत्तर आपको ना आए उसमें जो बड़ा हो वही इसका उत्तर सही होता। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सब सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगर मैंने एक बात और आपको बताया था, अगर सीटेट की परीक्षा आप देने जा रहे हैं और आपको कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता, उस दशा में आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा उत्तर आपको नजर आएगा वही आप टिक कर दीजिएगा, मैंने जिस प्रश्न का उत्तर आपको बड़ा दिखाई दे, क्योंकि माइनस मार्किंग ऐसे भी है वो आपका नंबर कटने से अच्छा सही हो जाए। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। एक बात याद रखिएगा, जहां पे नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं होता, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहां पे परीक्षा में प्रश्न आपको नहीं छोड़ने चाहिए, वहां पे क्या करना चाहिए, सारे प्रश्नों को करना चाहिए, चाहे गलती क्यों ना हो, हो सकता सही हो जाए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचा दीजिएगा। ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज इलेनी भी दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलेनी भी दुर्गेश पर लाइव चल रही है, और इसकी जो नोट्स है वे सभी हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। सभी लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर ले और दुर्गेश सर से इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़ जाएं। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, अगर भ्रमण पे ले जा रहे हैं तो आपकी अपेक्षाएं बच्चों से क्या रहेंगी। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। तो जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया, भगवान करे वो बिना रुके सीटेट ही ना पार करे, बल्कि सीटेट के साथ वो जल्दी सहायक अध्यापक बने, और जितने लोगों ने और लाइक किया है भगवान करे जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएं, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है तो उनकी मानसिकता ऐसे बनी रह जाए, ठीक। लेकिन आप लोग लगातार आगे बढ़े, क्योंकि सकारात्मक व्यक्ति जीवन में सदैव आगे बढ़ता है। तो बताइए इसका क्या होगा, अपने हिसाब से बताइए। चलिए आइए इस पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे यदि उनके कोई प्रश्न हो तो, मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक आप यूज करेंगे हमेशा सही रहेगा। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लें, जैसे बच्चे कोई प्रश्न से लिख लें, सही बात है तो लिखना चाहिए, और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना, जी नहीं, यहाँ पर अभिभावक के जगह हमें तुरंत अध्यापक से पूछना चाहिए, इसलिए यह विकल्प गलत हो गया, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, जी नहीं, प्रश्न पूछना हो सकता है कोई नशे की चीज़ हो सकता है कोई जहर की चीज़ हो, ठीक, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। फिर उन्हें आनंद उठाना चाहिए, भ्रमण का उद्देश्य आनंद उठाना नहीं होता बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान कराना होता, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब इसका मतलब जो बचा वो उत्तर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, बच्चों को ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, जो टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए, बाकी बच्चे तो शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए प्रश्न का सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है उन सभी के प्रश्न के उत्तर पूरी तरह से सही है। तो फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर करें ना करें, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या आपको यहाँ पे किसी प्रकार कोई समस्या है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको हर हाल में सीटेट को पार कराना है, और उसके लिए जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ इतनी मेहनत आपको भी करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेस्ट जरूर देंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, चलिए जहाँ पर दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न दिया गया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए दो ढेरियों में अलग करती है,
कितने ढेरियों में, पर रीना दो ढेरियों में अलग करती है। अब जब अलग करती है तो प्रश्न आया कि कैसे अलग करेगी। यहाँ पे दिया गया है केले के छिलका क्या है, सब्जियों के छिलका, सूखी पत्ती, अखबार, मतलब ये सभी क्या है, अगर ये कहीं फेंक दिए जाए तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है जैम की बोतल, ये डिकम्पोज नहीं होगी, सांस की बोतल डिकम्पोज नहीं होगी, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ये भी मतलब ये स्वतः पर्यावरण नष्ट नहीं होगी, प्लास्टिक खिलौनी है स्वतः पर्यावरण नष्ट नहीं होगी। अब रीना ने जो ये दोनों आधार बनाया है, इस आधार का उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इसका जवाब देंगे, सभी साथी जो भी लेनी भी दुर्गे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम आप इस सभी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और अपने साथी मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए यार। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर क्या होगा, घरेलू कूड़ा कचरा औद्योगिक कचरा है? जी नहीं, उद्योग से निकलने वाला कचरा जो होता है वो औद्योगिक कचरा होता है। क्लियर, मैंने उद्योग से जो कचरा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम औद्योगिक कचरा के नाम से जानते हैं। दुर्गंध रहित ऐसा नहीं है कि इसमें से दुर्गंध आ गया, इसमें दुर्गंध नहीं, ऐसा उसका विचार नहीं है। फिर कह रहा है पुनर्चक्रण किया जी, ऐसा भी नहीं इसमें कि अखबार से पेड़ से अखबार बनाया जाए, ये भी नहीं है। फिर इसका मतलब यहाँ पर सी है, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं, डिकम्पोज होने वाले और ऐसे जो डिकम्पोज न होने वाले हैं, इस आधार पर है। तो मैंने यहाँ पर आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझा दी और बता दी, मतलब इस बात से तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मैं प्रश्न की जो सीरीज है मैं तीन विषयों को लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपके गणित शिक्षण, हिंदी शिक्षण और पर्यावरण शिक्षण है। तो मैं चाहूँगा वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें। आपकी संख्या पता नहीं इतनी कम है, ज़्यादा संख्या कम रहेगी तो मैं क्लास मुझे मजबूरन बंद करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा किसको, दीवार को पढ़ाने के लिए आया नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को चलाया गया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं कि जो चिपको आंदोलन था वह किसके नेतृत्व में चलाया गया था। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दें। देखिए चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, जंगल पेड़ बचाओ, किससे था, पेड़ के कटाव को रोकने के लिए था। पेड़ बचाना माना जंगल बचाना, पौधों बचाना, यहाँ पर इसका उत्तर ही हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मेधा पाटेकर इनका नर्मदा बचाओ से है, ठीक, अमृता विष्णु ये भी वृक्ष से बनाते हैं, लेकिन चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुड़ा है। वनों का कटाव रोकना, वनों पर आश्रित लोगों के वन अधिकार की रक्षा का आंदोलन करना, इस आंदोलन में स्त्रियां ने भी भाग लिया था, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी हाँ, जितने लोगों ने सुंदरलाल बहुगुड़ा बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, आपके पास 10 सेकंड का समय है, देखते हैं 10 सेकंड में सबसे सही जवाब किसका आता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। और देखिए क्लास की जो सारी क्लास की जो होती है, आज क्लास जल्दी शुरू हो गई लेकिन टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाता है कि दुर्गेश सर सर्च करके आप ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ जाएं। कल से नई टाइम टेबल आपको मिल जाएगी, क्योंकि कल नया तारीख है और नए तारीख की शुरुआत में हम नए तरह से क्लास चलाएंगे, इसलिए थोड़ी सी आज क्लास को मैनेज को लेकर, क्योंकि आपके लिए नोट्स जो है टाइप हो रहे हैं, साथ ही नोट्स साथ प्रैक्टिस सेट की सीरीज लगातार टाइपिंग हो रही है, तो ज़्यादा व्यस्तता वहाँ पे है, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, इन दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट में हम आप इस समय लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं आपको ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। देखिए ये हमारी उपाध्याय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाने का काम करते हैं, ठीक है। ये हीन ताजन्य जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, फंक महोदय ने किया था, किसने, फंक महोदय ने किया था, कब किया था, 1912 में किया था, 1912 में फंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की गोबर से झोपड़ी की दीवार को लीपा जाता है क्यों? यह भी एनसीईआरटी में, इसके ऊपर वाला भी जो हम लोगों ने पढ़ा वो भी एनसीईआरटी में है और यह भी एनसीईआरटी में। अगर आपने इलेनी भी दुर्गेश की पेड क्लास में अगर होंगे, आपको जहाँ पे नोट्स मिली होगी, एक बार उस नोट्स को पूरा पढ़ेंगे तो यकीन मानेंगे एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जा रहा है, और वो चंद पेज के नोट्स से सारे प्रश्न आपके कवर हो जा रहे हैं। तो आप इस जो नोट्स है वहाँ से अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है या आपने घर मंगा के बैठ के घर पर पढ़ लिया है तो उसमें अलग से आपको शिक्षण नहीं पढ़ना, क्योंकि जो शिक्षण होती है वो केवल व्याख्या होती है, सोच होती है, और सोच को ही हम लोग को समझना है। बताइए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो लीपा जाता है,
उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कीड़ों को दूर करने के लिए। यहाँ पे एक बात आप जानते रहेगा, ताकि कीड़ों को दूर किया जाए। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि गोबर में भूसा क्यों मिलाया जाता है। जरा कमेंट करके बताएं, गोबर में भूसा क्यों मिलाया जाता है। जितने लोग लाइव में फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें कि जो भूसा को क्यों मिलाया जाता है। तो भैया भूसा को गोबर में मजबूती के लिए मिलाया जाता है। किसके लिए? मजबूती के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर कीड़े मत भगा दीजिएगा, दोनों बात को जानते रहिएगा। सीटेट में दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो यहाँ पर अगर उसमें भूसा मिला दे तो भूसा मजबूती के लिए होता है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए, तब आप गलतियां मत करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए। जो लोग देखिए कमेंट करके, आप लोग, मैं कहता हूँ बार बार कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए इससे प्रतिस्पर्धा होती है, पहली चीज़ हमारी ये गलती जो होगी परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। दूसरी काम, जितनी अधिक संख्या रहेगी उतना हमें ये पता चलेगा, आपको ये चलेगा हमारा नंबर कितने में सही आ रहा है, मतलब कितने लोग के बाद हम उत्तर दे रहे हैं, मतलब वही हम कितने पीछे हैं। इसलिए मैं वीडियो को कहता हूँ बार बार लाइक और शेयर करने के लिए, हो सकता है आपको बुरा भी लगता होगा। चलिए इलेनी पित्रुगेस की अगली क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम एनसीईआरटी मैथ की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण की सीरीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मैंने आपसे पहले बताया था। ठीक है, याद रखिएगा कि मैं आपसे पहले ये कह दिया था कि हम एनसीईआरटी की जो तीन विषय की शिक्षण लेकर आते हैं, जहाँ पे हमने पर्यावरण शिक्षण को खत्म किया, अब हम पढ़ने जा रहे गण शिक्षण। तो एक बार मैं आपसे कहूँगा, सभी साथी ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके, चाहे शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षा हो, चाहे सीटेट की परीक्षा, प्राइमरी अपर प्राइमरी, कल से मैराथन क्लास भी शुरू हो जाएगी इलेनी बिदुर्गेश पर, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं इस पर व्हाट्सएप करके। लेकिन अब आपको एनसीईआरटी की जो मैथ सीरीज है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो एनसीईआरटी की मैथ के लिए तैयार है, जो लोग तैयार हैं फटाफट कमेंट करें और अपने साथी मित्रों को, चाहे आप वीडियो शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर आपके प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। क्योंकि अगर हम एक बार पुरानी तरह के पेपर को हल कर लेंगे, क्योंकि इसके जो प्रश्न है वास्तविकता ये है, सीटेट से आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। आपसे इतना निवेदन है कि आप वीडियो को अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा, अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, हो सके अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बाकी आपकी इच्छा, मैं बार बार कहूँगा, लेकिन आप लोग करें या ना करें, अगला पड़ाव आपके लिए तैयार है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। यहाँ पे कह रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश और हर समान है, जैसे 3/5, 3/7, रोहित की प्रक्रिया थी। चूंकि अंश समान है, 7/5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है, यह बताया है कि। अब ये क्या बताया है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट प्रश्न का जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिए गए प्रश्न में सबसे सही उत्तर क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके इसका जवाब दें। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तैयार हैं आप लोग? चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय किसमें अंश और हर है। तो यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं रोहित अंश और हर का उदाहरण नहीं जानता, जी जानता तभी तो अंश और हर की बात कर रहा है। रोहित भिन्नों को परिणाम नहीं समझ रहा है, समझता तभी तो ऊपर कुछ किया है। कह रहे रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता। याद रखिएगा, देखिए जो रोहित जो लड़का है वो तुल्य भिन्नों का अवधारणा नहीं जानता। अंश व हर की अवधारणा समझने के लिए पहले उसे तुल्य भिन्न समझना होगा। जैसे 3/5 अगर समतुल्य जाएंगे, अगर ऊपर भी 2 से गुणा किए, नीचे भी गुणा किए, तो क्या हो जाएगा? 6/10। 3 से गुणा करना है तो हो जाएगा 9/15। तो अगर वो समतुल्य भिन्न के बारे में जानता तब जाकर इन दोनों का लसम से निकालता, और लसम से निकालने के बाद वो यह बता पाता कि कौन से भिन्न बड़ी है, कौन से भिन्न छोटी है। इसलिए जो रोहित है उसे तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं पता, क्योंकि हम उसे अंश और हर को पढ़ाने से पहले, भिन्न बड़ी छोटी पढ़ाने से पहले हमें क्या पढ़ाना होता है? तुल्य भिन्न पढ़ाना पड़ता है। मैं छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और मैं देखूंगा इसमें सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर आप, ये खासकर इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप KVS के इंटरव्यू अगर किसी ने दिया होगा तो जानते होंगे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप एक गणित के अध्यापक हैं और प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को आपको भिन्न पढ़ाना है, तो भिन्न की अवधारणा पढ़ाने से पहले आप क्या पढ़ाएंगे? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। कह दे बस दे दें, बताइए भिन्न की अवधारणा पढ़ाने से पहले आप क्या कहेंगे? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, एकदम सही बताया आप लोगों ने।
अगर किसी भी अध्यापक को, अगर आप अध्यापक हैं और अगर अवधारणा पढ़ानी है आपको भिन्न की, तो उसके पहले बच्चों को एलसीएम की अवधारणा पढ़ानी जरूरी है। यह केवीएस इंटरव्यू का पूछा प्रश्न है, यह केवीएस का पूछा प्रश्न है और सीटेट के अपरामृत दोनों में प्रश्न आ चुका है। तो याद रखिएगा, यह इंटरव्यू में पूछा प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आपको जानते रहना होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। अगला प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, अगला है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कहाँ से कर सकता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी देखिए जवाब सभी लोग दिया करिए। देखिए जब जवाब देते हैं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाता है कि जो आप गलतियां करने वाले होते हैं वो गलतियां नहीं कर पाते, ठीक। ये परीक्षा में जो गलती करनी यही कर देते हैं, इसलिए जितने लोग लाइव हैं सब लोग कमेंट करके जवाब दिया करिए। गलत हो जाएगा हम गोली नहीं मार देंगे आपको, लेकिन हाँ गलतियों से ही आप सीखेंगे, थांडैक ने भी तो यही कहा है। दूसरी बात, ये क्लासेज इलनी भी दुर्गेश की जौनपुर जनपद में चलती है। ऑफलाइन क्लासेज ऑफलाइन नोट जौनपुर में भी उपलब्ध है और ऑनलाइन क्लास घर बैठे नोट्स के लिए यहाँ पे दो नंबर दिया गया जिस पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। कॉल कम से कम क्या करिए, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप क्या करिए, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, संख्या रेखा भिन्नों का पता लगाना, ए बटे बी के रूप भिन्न लिखना जिसमें बी बराबर जीरो मतलब हर का मान जीरो ना हो, ये तो परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई, ये तो परिमेय संख्या होगी, मैंने ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है कि विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना। देखिए भिन्नों का अवधारणा पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या शुरुआत कर सकता है, अपने आसपास की वस्तुओं के विभिन्न अवधारणाओं को, जैसे हम क्या कहते हैं कि रोटी कौन कौन लाया है, पता चला राम ने रोटी लाए हैं, टिफिन में रोटी लाया है, तो उसकी रोटी हम लेने के बाद एक बीच से काट दिए। अब कहें क्या हुआ, अब हम इसे राम और श्याम में बांटना है, किसको राम और श्याम में बांटना है, रोटी कितनी मिलेगी, आधी आधी मिलेगी, रोटी कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, बच्चों के आसपास की वस्तु लेंगे, चौक लेकर, कलम लेकर, डस्टर लेकर, हम इन अवधारणाओं से क्या करेंगे, भिन्न को पढ़ाएंगे। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उपयुक्त विकल्प है वो बी अथवा दूसरा इसका सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, बाकी कल की जो क्लास की टाइमिंग है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, इलनी भी दुर्गेश से जुड़ना है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलनी भी दुर्गेश है, और हमारा एक अन्य चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आधी क्लास आपको उस पर चलेंगी, आधी क्लासेस पर चलेंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या होगा, यहाँ पे बच्चों को पर्यावरण जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर चर्चा शुरू करो, जैसे क्या पर्यावरण में जो लुढ़कती हैं जो फिसलती हैं, और बच्चों को उनके आकार देखने में ये समझने में कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती सहायता करता है। गणित के जादू, ये एनसीईआरटी, देखिए मैं बार बार एनसीईआरटी कहता हूँ आप लोग नहीं मानते, देख रहे हैं प्रश्न में भी एनसीईआरटी दे दिया है, मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी इलनी भी दुर्गेश पर नोट्स उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास एनसीईआरटी पर उपलब्ध है, आप हमारी बातें नहीं मानते, ठीक है, आप अन्य जगह कोचिंगों से नोट्स ले लेते हैं जहाँ पर एनसीईआरटी के नाम पर। देखिए यहाँ पर क्या एनसीईआरटी कह रहा है, अब एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने की शिक्षक की शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, गलत हो जाएगा जवाब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरी क्लास को ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से अगर परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, तो सभी लोग शेयर और जवाब जरूर दें, अपने सभी ग्रुप में डाले, कुछ नहीं व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दे, फेसबुक के टाइमलाइन पे डाल दे, फेसबुक की स्टेटस लगा दें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, आसपास की चीज़ें बच्चों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य शब्द नहीं, यह इसलिए गलत हो गया। चर्चा करना गणित कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, हाँ ये तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ युक्ति नहीं है, चर्चा करने में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, चर्चा करने में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लेकिन अगर ये कही सर्वश्रेष्ठ युक्ति है तो ये नहीं होगी। कह रहा है चर्चाएं बहुत ही परिप्रेक्ष्यों में कक्षा में स्थान देती हैं, देखिए जो चर्चाएं होती हैं वो बच्चों को कक्षा में परिप्रेक्ष्य स्थान देती है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 2 के एनसीईआरटी में क्यों कहा गया है, इसका मतलब ये है, मैंने एक बात और बताई थी, जिस प्रश्न का उत्तर सीटेट में ना आए, ठीक है, तो वहां पर ठीक वहां पर क्या होगा, जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि जिसका उत्तर बड़ा हुआ ही सही होता है। यहाँ पे कह रहा है निर्देशन और संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब हम कहेंगे कि स्कूल का दरवाज़ा कैसा है, बच्चों से पूछेंगे, कहेंगे स्कूल का दरवाज़ा कैसा है,
तो बताएंगे सर, जैसे हम पूछ देंगे ये बताओ कॉपी कैसा दिखता है, कहेंगे सर जैसी स्कूल का दरवाजा है वैसे कॉपी दिखती है। मतलब बच्चा आयत नहीं कह पा रहा, मेरी बात समझिएगा, बच्चा आयत ना कहकर वो ये बताता है जैसे स्कूल का दरवाजा है वैसे कॉपी है। मतलब वो किसी चीज़ का अगर नहीं पता है, किसी भी आकृति के बारे में बच्चों को नहीं पता है, वो क्या करता है, वो किसी अन्य आकृति से तुलना करता है जिस आकृति के वो प्रायः नाम जानता है। खिड़की कैसी है, किस आकार में, तो बच्चा तुरंत कहता है सर जैसे मेरे घर की खिड़की। मैंने उसके घर की खिड़की किस आकार में नहीं पता, वो आयत शब्द तो नहीं कह पा रहा, लेकिन वो क्या करता है तुरंत वह तुलना कर लेता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त और जो सबसे सही विकल्प है वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके पूछें। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और पूछें गणित शिक्षण चल रहा है। मैंने आपको पहले बताया पहले पर्यावरण शिक्षण पढ़ेंगे, फिर गणित शिक्षण पढ़ेंगे, फिर अन्य शिक्षण की तरफ हम एक एक करके बढ़ते जाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर भी एनसीईआरटी, मैं बार बार एनसीईआरटी कहता हूं, देखिए आपको प्रश्न में भी एनसीईआरटी दिख रहा है, सीधा सीधा एनसीईआरटी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी ही दिखती है। ये किस लिए दिया जाता है, माने बच्चों को ऐसे नाम क्यों बताए जाते हैं, पाठों के नाम ऐसे क्यों रखे जाते हैं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैं ये कहता हूँ प्रश्न आपका गलत हो जाए उत्तर गलत बताइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसकी व्याख्या है उसको समझिए। मेरी क्लास लंबी होती है नो डाउट, लेकिन आप एक बार डाउट क्लियर कर लेंगे कि आयोग कैसा उत्तर मानता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यकीनन आपको सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं सकता। सीटेट की भाषा समझ में आनी चाहिए, प्रश्न को डिकोड करना आना चाहिए, और सीटेट आसान कोई भी राज्य का टेट नहीं है। यहां पर क्या होगा, उन्हें अलग से समझाने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, जी नहीं, उनके दैनिक जीवन को मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी में, मैंने हिंदी शिक्षण पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो पहले देखी होगी पेड क्लास में, बच्चों को क्या होना चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कबाड़ी वाला वो नाम जानते हैं, भोपाल की शहर, जैसे मैं जौनपुर का हूँ तो जौनपुर की शहर, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश शहर। तो बच्चों की ऐसी भाषा सुनने के बाद उनका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है, उनका ध्यान आता है, इसलिए वहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं, जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो बच्चों की आम बोलचाल की भाषा जो होती है, उनकी जो मातृभाषा होती है, प्रायः उससे मिलती जुलती है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, ए होगा। यह भी एनसीईआरटी में, इसलिए अगर आपने हमारी नोट्स चाहे ऑनलाइन की पेड क्लास में पढ़ा होगा, चाहे घर मंगाकर आपने पढ़ा होगा, आपको यह प्रश्न आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ। इसलिए लोग कहते हैं सर मुझे और चीज़ें पढ़ानी थी, कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चीज़ें कम पढ़िए और उसको समझिए, जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतर स्कोर करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। अगर सीटेट क्लियर है तो सुपर टेट के लिए इजबल है। अगर आप सीटेट पास हैं तो अगली भर्ती के लिए इजबल है, चाहे आप केवीएस दें चाहे उत्तर प्रदेश सुपर टेट दें। ठीक, और इस 7 साल के लिए सभी लोग फटाफट कमेंट, गला सूख जा रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। यार वीडियो शेयर करिए मालिक, सभी लोग। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है, फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। व्याख्या पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, व्यापक अभ्यास, ये कुछ हद तक सही है, अनुमान लगाना, ये भी कुछ हद तक सही है, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम। देखिए गणित करने की युक्ति, यहाँ पर युक्ति कह रहा है, कौन शब्द कहा है, युक्ति। तो युक्ति आपको एनसीईआरटी मिलेगी, कहाँ पे, एनसीईआरटी की एक शिक्षण हमने आपको एनसीईआरटी को उपलब्ध कराई होगी पेड क्लास में, जो पेड क्लास में उसको पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, वहाँ पर है कि क्रियाकलाप पर आधारित जो उपागम होता है उसे युक्ति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राय बच्चों यहाँ पर एक माचिस की डिबिया लेते हैं और एक माचिस की डिबिया यहाँ पे लेते हैं और रस्सी बांधकर क्या करते हैं, यहाँ से हलो बोलते हैं और यहाँ सुनाता है। आपने बचपन में किया है, कितने लोगों ने इसे बचपन में किया है। तो ये गणित के साथ साथ जैसे ये पर्यावरण का भी ये युक्ति है, इसको युक्ति को हल करने के लिए क्या करते हैं, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम करते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ से हलो बोलते हैं, यहाँ पे हलो सुनाई देता है। आप लोगों ने किया है, जो लोग लाइव देख रहे हैं बचपन में क्या होता है, जैसे दो यहाँ पे वृत्ताकार चप्पलों काटते हैं, यहाँ पर एक डंडी लगाकर इसको क्या करते हैं, गाड़ी की तरह पूरा चलाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो गणित में
आयत, वृत्त और रेखा, रेखाखंड पढ़ते हैं, ये उसका बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यहां पर उसका वो प्रयोग करते हैं। जब यहां पे प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, क्रियाकलाप पर उपागम होगा। मतलब यहां पर दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, अर्थात पहला इसका सही विकल्प है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को सीखना है, आपको समझना है कि बच्चे कैसे क्या करते हैं। और अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, यकीनन मानिए सीटेट आपको पास होने से कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। और आज वीडियो को भी शेयर करने से कोई भी मत रोकिएगा, लोगों तक तो पहुंचाइए यार, इतना करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक तो पहुंचाइए। ये आपका काम है, मेरा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं वो भी ईमानदारी से। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर चार, एक प्रश्न है उसके चार विकल्प हैं और एकदम हलुआ प्रश्न है। एक शिक्षक कक्षा से 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, माने एक यहां पर आयत, मैं आपको बता रहा हूं, एक डब्बा देता है, आयत बनाता है, कहता है इसमें 1/8 को निरूपित करिए। तो शिक्षक कौन सा निरूपण गलत है? यहाँ पर एक निरूपण गलत है, तीन सही है और एक गलत है। इस प्रश्न में कभी ये भी जानिएगा, कुछ लोग ये पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते और आता हुआ प्रश्न गलत करते हैं, कहते हैं सर मैं सीटेट नहीं पास हो रहा हूँ। भैया सीटेट अगर नहीं पास हो रहे तो इसका मतलब है आप सही जगह नहीं जुड़े हैं, आप सही संस्था का चयन नहीं किए हैं। सीटेट से आसान कोई भी परीक्षा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में प्राइज कल से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा क्वेश्चन में प्राइज, कल से स्टार्ट होगा। तो भैया फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके सभी लोग जवाब दें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, कौन सा 1/4 है निरूपित नहीं है। तो भैया ये देखिए, यहां पर आधे भाग को डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, ये भी चारों भाग आपस में क्या है, डिवाइड है, तो ये आपस से बराबर हो गए। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये चार भाग में डिवाइड किया, इनको आधा आधा कर दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यह भाग ये सही नहीं है। मतलब यहाँ पर जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर सी बताया, उन सभी क्या है, जवाब पूरी तरह से सही है। भैया सीटेट पार करना बहुत आसान है, लेकिन सीटेट की भाषा समझना, मैं वो आपको समझा रहा हूँ, मैं सीटेट 3 टाइम क्वालिफाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जब क्वालिफाई कर रहा हूँ आप भी क्वालिफाई करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, जबकि मुझे सीटेट में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अभी पढ़ लीजिए उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। गणित में जो निदानात्मक शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है? भैया सभी लोग बताएं, अगर आपको सीटेट अच्छे अंकों से पास करना होगा तो सबसे पहला सवाल का जवाब देना होगा। गलत हो सही है, लेकिन परीक्षा में गलती ना होने पाए ना यार, हम आपको गलती करेंगे गोली मार देंगे क्या? नहीं ना मारेंगे। तो आप लोग यहां पे जवाब दीजिए, गलत हो या सही हो मैं उसकी व्याख्या करूंगा, गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों। अगर ऐसा सीटेट अगर कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पूरी यूट्यूब पे। मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इलनी विद दुर्गेश की तरह अगर पढ़ा दे, इसको अनसब्सक्राइब करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अपने कैरियर से खिलवाड़ मत करिएगा। यहां पर देखिएगा, इसका कह रहा है प्रगति पत्र को भरना निदानात्मक शिक्षण का, अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं है। ठीक, निदानात्मक की बात है कि बच्चों में जो कमी उसको समझिए और उनमें निदान लाइए, उनको कैसे, अगर कोई बच्चा अभी कक्षा में बोल नहीं पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा उसको जानने का पहले उपचारात्मक निदानात्मक करिए, क्यों नहीं बोल पा रहा उसको, क्या दिक्कत हो रही है, कहीं आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, विशिष्ट बालक है, उस बालक की पहचान करिए। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। उनकी कम, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चा अभी कक्षा में तुरंत जवाब देते हैं, पता चलो उसमें कोई मोहन नाम का लड़का है, वो अभी कक्षा में बोलता है नहीं, तो हो सकता है वो बोलना ही नहीं जान रहा हो सकता है वो आपसे डर रहा हो। ठीक है, हमें उसको क्या करना होगा, पहले उपचारात्मक शिक्षण, ठीक, पहले निदान करेंगे फिर उसका उपचार करेंगे। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ये तो बहुत आसान। देखिए मैं जब पढ़ाता हूँ सीटेट को पास करने का तरीका, ये मानिए मैं बच्चा हूँ और मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है एक भी प्रश्न सीटेट गलत नहीं होगा आपका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर है ये कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है, उसका यह विश्वास है यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि कर दी जाए तो ये प्रभावी ज़्यादा होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा में परीक्षा का आयोजन करता है, प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ें,
विकल्प को ध्यान से पढ़ें और एकदम सही जवाब दें। गलत हो जाएगा चलेगा, लेकिन जवाब जरूर होना चाहिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी जवाब दीजिएगा। और टेलीग्राम पे डेली क्लास की लिंक, कल क्लास की टाइमिंग अलग रहेगी, तो वहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इलर्निंग विद दुर्गेश पर सारी क्लासेस लाइव चलती हैं। उसकी नोटिफिकेशन केवल टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। अगर आपको डेली क्लास पढ़नी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर प्रश्न क्या होगा, अब आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है वह पूरी कक्षा के चर्चा का आयोजन कर सकता है, वे उन तरीकों के अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने का प्रभाव युक्ति कौन सा, ये तो गलत हो गया। अब बच्चे युक्ति खोजेंगे, ये कोई बात तो नहीं हुई, ठीक, यहाँ पर समस्या गलत। अब आगे बढ़ते हैं। यदि यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड के साथ उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि, देखिए ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर लिख दो और छापने को बच्चे से कह दो, भैया आप सिखाने बच्चों को जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बच्चे क्या करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, रट्टा मारने नहीं, छापने नहीं जाते, इसलिए गलत। फिर कह रहा है वह विद्यार्थी दूसरे को उत्तर की जांच करे, अब बच्चों से कह दो भैया सब लोग अपनी कॉपी मिला लो, ऐसे होगा? अब कोई बच्चों से पढ़ाने जाएं, कोई भी युक्ति कराएं, अब कह रहे अब मैंने टेस्ट कराया है, अब बच्चे अपना अपना जाँच कर ले, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है जी। हाँ आकाश जी, आपने सही कहा, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थी उस कहे वह स्वयं अपने उत्तर की जांच करे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं चारों विकल्प की व्याख्या करता हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ आप मिलाइए आपका सही था या गलत, मैं आपको उत्तर क्यों कहूँ कि आप सही या गलत, पहले तो आप उत्तर दीजिए। मैं पूरी तरह से सीटेट के नियमों को फॉलो करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सीटेट की तरह पढ़ाता हूँ, एनसीएफ 2005 की तरह, पहले मैं प्रश्न देता हूँ फिर मैं आपसे उत्तर मांगता हूँ। मैं ये नहीं कहता किसने सही बताया किसने गलत बताया, मैं चारों विकल्प की व्याख्या करता हूँ, जिसका सही होता है वो जानता है मेरा सही है, जिसका गलत होता है वो जान जाता है मेरा गलत सही वाला ये था। तो मैं सेम वही करता हूँ जो एनसीएफ 2005 किया था, जो ये कहता है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए वो पूरे जीवन कभी नहीं भूलेंगे, यही शिक्षण विधि का प्रयोग मैं आपके साथ करता हूँ। मैं जो शिक्षण विधियाँ पढ़ता हूँ उसका प्रयोग मैं आपके साथ करता हूँ, इसीलिए मेरी क्लास में संख्या कम रहती है, क्योंकि मैं सिलेक्शन दूंगा ना और आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरी पूरी टीम इसके बाद आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे, वो भी सीटेट क्वालिफाइंग है, मतलब मेरी पूरी स्टाफ हुआ जो स्वयं सीटेट परीक्षा देती है और सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण है। आप उनसे पढ़िए, उनसे मत पढ़िए जो कभी सीटेट परीक्षा दिए ही ना हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि जैसे कोई शिक्षक है उसे आकार पढ़ाना है, जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा मैप बना रहा, देखिए मुझे बनाने तो नहीं आता चित्र, जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ मंदिर है मान लीजिए, अब मुझे आकार पढ़ाना है, अगर मैं मंदिर में बच्चों को ले गया तो क्या मैं यहाँ पे कुछ आकार पढ़ा सकता हूँ? ऑफकोर्स मैं पढ़ा सकता हूँ। अब कैसे पढ़ाऊँगा, इसी विकल्प का आपको चयन करके बताना है। तो देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन देता है, जवाब सभी को देना है। जितने लोग वीडियो को लाइव है मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, लेकिन जवाब तो दे सकते हैं यार, परीक्षा हाल में कैसे गोला करेंगे, परीक्षा हाल में गलती कर दिए तब, इसलिए जो गलती करना है यहां करिए, परीक्षा हाल में एक भी गोला गलत नहीं होने पाए। और ऑनलाइन क्लास को जुड़ना है तो उसके लिए आप 6306344367 पर घर बैठे सीटेट के एनसीईआरटी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भैया आखिर किताब खरीदते हैं आप सीटेट के लिए, तो इलर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स भी खरीद सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा लगता है घर बैठ के आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चलिए देखिए, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं इसलिए अति आवश्यक, जी नहीं, सीबीएसई द्वारा अनुशासित नहीं किए गए हैं। फिर कह रहा है कुछ लोग डी बता रहे, डी को मैं डिफाइन कर दूं, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, यहाँ अवकाश की बात नहीं है, यह भी एक शिक्षण विधि है, इसलिए यहाँ पे गलत। देखिए यहाँ इसीलिए गलत हो गया कि अच्छा अवकाश होगा, भैया यह भी एक अच्छा है, मतलब कि आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया जा रहा है यहाँ पर अवकाश नहीं, यह भी शिक्षण विधि है, आपके सिलेबस में है। अब यहाँ पे देखिए उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अवकाश, देखिए अवकाश भी नहीं है यार, आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आकार किसी वस्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है और उन्हें इस तरह के भ्रमण में सभी विषयों को आपसी संबंध को बढ़ाना है, मतलब यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह दूसरा इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने इसका उत्तर बताया है दूसरा बी, उन सभी के पूरी तरह से सही जवाब होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ,
अगले प्रश्न की तरफ। मैं यकीन करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी के प्रश्न पूरी तरह से सही होंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं सभी ग्रुप पर शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाइए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है। तब तक आप सौरभ से बात कर लीजिए, तैयार है आपका बैंक। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है, कहां से कर सकता है बताइए सभी लोग। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो भी प्रश्न का उत्तर आपको लगे सही से फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यहाँ शुरुआत तो कर नहीं सकते आप। कह रहा है भिन्न भिन्न आकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, देखिए जहाँ पे सूत्र आ जाए उसे तुरंत हटा दीजिएगा, तुरंत हटा दीजिएगा। फिर कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, फिर यहाँ पे तो बच्चों को सूत्र नहीं रटाना है। अब बच्चों से क्या करना है, जैसे सीटेट में एनसीईआरटी में है, मेरे नोट्स में भी होगा एनसीईआरटी, अगर आपने पेड क्लास पढ़ा, जैसे आपने क्या किया इतना नोटबुक रख दिया, अब कहेगा कितने स्थान रखेगा, यहाँ पे कितना स्थान घेरेगा, और जो आपने जैसे ही कहा यह कितना स्थान घेरेगा तो आपने क्या किया पूरी तरह से क्षेत्रफल पढ़ाया, अपनी हाथ रख दिया आपने, आपने क्या किया अपना हाथ रख दिया, ठीक है मुझे हाथ बनाने नहीं आता, पेंसिल रखा, नोटबुक आदि वस्तु रखकर उसकी जो है क्या करना, उसकी सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका मतलब, इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सबका क्या है जवाब पूरी तरह से तीसरा सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो प्रायः पूछता है मैं जमा करूँ या घटाऊं, मैं गुणा करूँ या भाग, मतलब वो ये समझ नहीं पाता कि जो गणित की चार प्रमुख संक्रियाएं हैं उसका वो क्या करे। तो भैया आप अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं, अगर अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं तो ये गणित के शिक्षण का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा, एक बात मैं आपसे बार बार रट्टा कहूँगा कि भैया वीडियो को शेयर जरूर करें, चाहे फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, कहीं भी शेयर करें, शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं मेहनत कर रहा हूं इसका परिणाम लोगों तक जाए, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या सोचते हैं बताइए सभी लोग। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन भाषा समझने में कठिनाई होती है बात भी समझ में आ रहा है कि वो समझ नहीं पाता कि जमा करूँ घटाऊँ, जोड़ू गुणा करूँ या भागा, उसका मतलब उसे भाषा समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। राजन को कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता, जी नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, राजन जोड़ घटाओ गुणा नहीं कर सकता, जी ऐसा नहीं है, क्योंकि कर रहा हो समझ में नहीं पा रहा है। ए और डी में कौन सही है, ए और डी में कौन सही है, राजन क्या है संख्या के संक्रियाओं को नहीं समझ पाता, माने जोड़ घटाना गुणा भाग, वह इन संक्रियाओं को नहीं समझ पाता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए अर्थात एप्पल इसका सही जवाब है, ए इसका राइट आंसर है। तो भैया जितने साथी ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरीके से सही हैं, माने ए वाले राइट आंसर हैं। जी हाँ, ए फॉर अनु, क्लियर, कोई डाउट किसी को। यह पड़ाव खत्म करके अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हिंदी शिक्षण। तो भैया कितने लोग हिंदी शिक्षण पढ़ना चाहते हैं वो सभी साथी इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दे, अपने साथी मित्रों तक शेयर कर दे, ताकि मुझे ये भी लगे कि मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने सभी साथियों तक इन चीज़ों को पहुँचाने में मेरी और अपनी मदद कर रहे हैं। ठीक, चलिए हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, यह आपकी
है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी पेडागोगी की सेट नंबर 2। इसके पहले सेट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजी हिंद से शुरू की जाती है। यहाँ पर ये सीटेट शिक्षक भर्ती परीक्षा अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेखन कौशल, प्रश्न क्या कह रहा है, लेखन कौशल बताइए क्या करना। सभी लोग फटाफट कमेंट करें क्या करना, कि पाठ पर आधारित प्रश्न का उत्तर लिखना तो बच्चा रटा रटा लिखेगा, श्रुत लेख लिखना माने मैं बोलूं और बच्चा लिखे ये भी गलत, सुंदर लेख कजी नहीं, उन्हें कहना कि अपने अनुभव को लिखना, अपने अनुभव को लिखना, कोई आम तोड़ने के बारे में लिखेगा, कोई अपने घर से भागने के बारे में लिखेगा, कोई खेलने के बारे में लिखेगा, कोई अपने सर के बारे में लिखेगा, कोई अपने मित्र के बारे में लिखेगा। अगर बच्चे अपने अनुभव के बारे में लिखेंगे तो अपने सही से ज़्यादा लेखन कौशल का हम उनका मूल्यांकन कर पाएंगे और सभी बच्चा अपने व्यक्ति को लिख पाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आप सभी लोग नेहरू जी के बारे में बताएं, आप सभी लोग मोतीलाल नेहरू के बारे में बताएं तो शायद आपको बताने में दिक्कत हो, लेकिन मैं कहूं आप अपने बारे में बताएं तो आप अपने बारे में इतना बेहतर तरीके से बता सकते हैं जितना हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, दूसरा अर्थात 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, चलिए आप लोग तैयार है ना। जी हाँ, जौनपुर से इलर्निंग विद दुर्गेश चल रही है, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सभी इलर्निंग विद दुर्गेश है। कहता हूँ वीडियो को शेयर करिए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं, पता नहीं क्यों वीडियो को शेयर ही नहीं करते। अब एक प्रश्न आया है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सभी लोग चारों विकल्प देखिए और जवाब जरूर दीजिएगा, गलत थी हो लेकिन जवाब जरूर दीजिए, ठीक है, और सभी साथियों को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलर्निंग विद दुर्गेश है। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे सभी क्लास की लिंक और नोट्स आपको मिल जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद क्लास की प्रश्नों की पीडीएफ सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक, मैं तेज पढ़ाऊंगा तो प्रश्न ज्यादा खत्म होंगे लेकिन व्याख्या नहीं हो पाएगी, और आप व्याख्या के लिए इलर्निंग विद दुर्गेश पढ़ें, बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं लेकिन व्याख्या के लिए आप यहां पे जुड़े हुए हैं। यहां पर देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जैसे बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के उचित रणनीति तय करना, जी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, भाषा संसाधनों का अभाव, ये भी गलत है, बच्चों के भाषा संचार साधनों में मुक्त रखना, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि देखिए सॉरी यहाँ पर मैं आराम से कंफर्म करूँ, यहाँ पर क्या होगा कि भाषा संसाधन का अभाव होगा, बच्चों की भाषा को संचार साधन के प्रभाव से मुक्त रखना, बच्चों के भाषा सीखने के महत्व को परिचित कराना, या तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो एक बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण, सॉरी यहाँ पर देखते हैं हम, एक बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, जैसे इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। कैसे, जैसे आप माने हिंदी भाषी के राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य के हैं और आपका चयन KBS में हो गया, माने आपका चयन KBS में हो गया और आपको केरल भेज दिया जाता है, और अगर केरल के KBS में जाते हैं और आपको वहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे भी आपको तो बड़ा दिक्कत होगी ना। अब वहाँ पे क्या होगा, अब भाषा शिक्षक के रूप में आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ पे तेलुगु, तमिल, केरला इन भाषाओं के लोग हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या क्या होगी, आपको अपनी भाषा चुनौती को लेकर होगी। आप ही कक्षा में 10 लड़के हैं, 40 लड़के पढ़ रहे हैं, 40 में से कुछ लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भाषी के हैं, कुछ लोग उर्दू में के हैं, कुछ लोग मलयालम में के हैं, अब आपको चारों को पढ़ाना है और NCERT की पढ़ाना है तो भैया क्या समस्या होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा, मतलब जितने लोगों ने ए इसका उत्तर बताया उन लोग के जवाब पूरे तरीके से सही है, माने ए इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करके वाई बताएं और जिसको नहीं समझ में आया वो यन कमेंट करें। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, मैंने पहले बताया क्लास जौनपुर जनपद में चलती है टीडी काले गेट के पास, यहाँ पर जो जौनपुर से साथी होंगे अपने जौनपुर के सभी ग्रुपों में शेयर कर देंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल नंबर दिया गया, ये दोनों नंबर पर नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या भूमिका है। फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, प्रश्न का जवाब दें और कल की क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे। कल काफी क्लासेस चलेंगी, जूनियर की भी चलेंगी, प्राइमरी की भी चलेंगी, तो टेलीग्राम पे उसका लिंक जाएगा। और क्योंकि कल नया तिथि से नई चीजें शुरुआत होंगी। भैया भाषा शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक में एक साधन है जो हमें उपलब्ध कराता है, इसलिए आप पर डी का राइट आंसर होगा। एकमात्र साधन है जी ने, जब मैंने शिक्षण पढ़ाया उसको थोड़े शिक्षण में आपने देखा होगा। जी हाँ, कल से शिक्षण जो संस्कृत की क्लास है वो कल से आपको टाइमिंग बता दी जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। फटाफट कमेंट करिए कि बताइए। देखिए अगर केवीएस का अपने इंटरव्यू दिया होगा किसी ने जो इसमें देख रहा होगा या जो केवीएस की तैयारी कर रहा होगा, तो जब मैं इंटरव्यू की जब मॉक टेस्ट के लिए मैं पढ़ाऊंगा या मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा तो मैं वहाँ पर आप इस बात से परिचित कराऊंगा कि केवीएस में जैसे ये पूछा जाता है अगर किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आप अध्यापक के तौर पर केवीएस में है तो बच्चों को कैसा होमवर्क देंगे, कैसा उन्हें गृह कार्य देंगे। तो यहाँ से आपका इंटरव्यू का भी पैनल तैयार हो रहा है। जब मेरी चीज़ों को पढ़ते हैं तो इंटरव्यू के प्रश्न भी आपके तैयार होते हैं, इसलिए इस क्लास को आप जरूर पढ़ा करिए और लाइव आके पढ़ा करिए ताकि आपके मन में जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे जो बाद में देखते हैं तो बाद में भी देखिए वीडियो को, लेकिन अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। ठीक, फटाफट बताइए क्या होगा इसका। देखिए यहां पे क्या होगा कि गृह कार्य देना अति आवश्यक जी नहीं, गृह कार्य देना अति आवश्यक नहीं है, एक बात आप जानते रहिएगा। दूसरा, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन जी नहीं, यहां भी गलत। ये सारे इंटरव्यू के भी तैयार हो रहे हैं, केबीएस की भी तैयारी हो रही है, साथ में आप शिक्षण की भी तैयारी कर ले रहे हैं, सीटेट तो अच्छे अंक से उत्तीर्ण ही करेंगे, और अगर भविष्य में खुदा न खास्ता प्राथमिक में इंटरव्यू होता है तो आपका काम हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य। अरे भैया उन्हें होमवर्क नहीं देना है, होमवर्क तब देना है जब आपको अभ्यास कराना हो। गृह कार्य के लिए दिया गया काम अभ्यास मात्र हो कि बच्चे जाकर अभ्यास कर सके, बच्चे उसे दोहरा सके, अभ्यास कर सके, न उन्हें याद करवाना है, रटवाना है, अभिभावक को व्यस्त नहीं करना है, उनके अनुकूल नहीं देना है। ये मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप मेरी क्लास पढ़ेंगे तो आपका इंटरव्यू का भी मामला क्लियर हो जाएगा, चाहे केबीएस के दे, चाहे डीएसएसबी के लिए दे, चाहे भविष्य में अगर अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है कि नई शिक्षा नीति अगर उत्तर प्रदेश में बहुत आगे जाएगी, लेकिन अगर किसी प्रकार से कुछ होता है तो आपके लिए इंटरव्यू का पैनल आपके लिए एकदम अच्छी तरह तैयार रहेगा। ठीक है, इसलिए आप डेली क्लास में आया करिए, क्योंकि जो शिक्षण शास्त्र का मामला होता है, ठीक है, पेडागोगी का जो मामला होता है, वहाँ पर आपका इलेनी भी दुर्गेश पर, मैं दुर्गेश जायसवाल तीन विषय में गारंटी लेता हूँ, गणित, पर्यावरण, हिंदी, इन तीन शिक्षण में, इन तीनों में 90 में 80 से ज़्यादा स्कोर करेंगे आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, क्योंकि अब मैं क्लास खत्म करूँ क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम है। मैंने ऊपर समझाया, अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि सी क्यों नहीं होगा, मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। माने तीन कथन सत्य है, एक असत्य है, उसी असत्य कथन को आपको बताना है। तो भैया जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अरे इतनी बार मैंने समझाया कि बच्चों को गृह कार्य क्षमता के अनुसार नहीं देना है, हम उन्हें केवल 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 अभ्यास के लिए देना है, बस मैंने बताया, आपने सुना नहीं, वीडियो को पीछे जाके सुनिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा सभी प्रश्न का, गलत ही हो लेकिन जवाब जरूर हो। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। जी हाँ, मैंने तीन विषय की शिक्षण पढ़ाई थी, पहले मैंने पर्यावरण का शिक्षण पढ़ा दिया, फिर गणित शिक्षण, अब हिंदी शिक्षण। तो हिंदी शिक्षण का ये आखिरी प्रश्न है, ये क्लास एक घंटे से ज़्यादा चल चुकी है, तो काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी है आपकी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा ये देखते हैं। प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा शिक्षण संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, माने तीन सत्य एक असत्य है। यहाँ पर देखिए, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियाँ व निरर्थक अभ्यास से बच्चों की अरुचि उत्पन्न हो सकती है। जी है, सही बात। मतलब अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए यार तुम सही नहीं लिखते हो, यार तुम्हें पढ़ना नहीं आता, सर तुमको लिखना नहीं आता, तो बच्चा क्या टूट जाएगा, वो गलत होगा। मतलब यहाँ पे ये विकल्प सही है। फिर कह रहा है
बच्चे समृद्ध भाषा में परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन कर लेते हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से परिवेश में छोड़ दिया जाए तो भाषा का स्वयं अपने से क्या करते हैं, भाषा का सृजन कर लेते हैं, भाषा को सीख लेते हैं, भाषा का परिमार्जन कर लेंगे, ये भी सही है। फिर कह रहा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय, बच्चा जब बालक, जैसे प्रश्न पूछा गया है इंटरव्यू में पूछा गया है कि बच्चा जब घर से विद्यालय क्या होता है, भैया जब बच्चा घर से विद्यालय आता है तो पूरी तरह से भाषाओं से पूरी तरह घिरा पड़ा होता है, वो भाषा से समृद्ध होता है, वह जरा सा अगर आप डांट देते हो रोने लगता है, आप उसे कहते हैं खड़े हो जाओ बैठ जाओ खाना खा लो तो आपकी बातों को समझता है, वो आपको अपनी चाहे बोलकर हंसकर रोकर अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने व्यक्त करता है, उसे डर लगता है रोना शुरू कर देता है, उसे घर जाना होता है रोना शुरू कर देता है। मतलब बच्चा जब घर से स्कूल आता है, घर से विद्यालय आता है तो बच्चा भाषा से समृद्ध होता है, माने ये भी सही ये भी सही। ये अब डी की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास सीखने में स्वागत जी नहीं, बच्चों को मातृभाषा सिखाने पर बल दिया जाता है, मातृभाषा से उनकी स्कूल की भाषा को समझना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे की घर की भाषा, जैसे मैं जौनपुर का हूँ या सिराज हिंद उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ, मेरी क्लासे जौनपुर में भी चलती हैं, शिक्षक भर्ती की चाहे सीटेट की करें यूपीटेट की बात करें, इसके अलावा अगर आप कहीं के हैं अन्य राज्य के हैं तो अन्य जगह के, तो आप क्या करते हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उस लोकल लैंग्वेज को, ठीक है, उन लोकल लैंग्वेज के साथ साथ बच्चों को सिखाइए, क्योंकि जब बच्चा भाषा सीखकर आता है तो लोकल लैंग्वेज जानता है। इसलिए बहुभाषा शिक्षण में हमें गृह भाषा को, बच्चों की गांव की जो भाषा है, बच्चों की आम बोलचाल की भाषा है, बच्चों की जो मातृभाषा है, हमें उसका क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक, चलिए, मैं पढ़ाते समय क्लास में किसी से बात नहीं करता, अब क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक, अब आप लोग फटाफट अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपके पास 120 सेकंड है, लेकिन उसके पहले आपको ये बताना होगा कि जो आपने क्लास पढ़ी क्या आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो भैया इस वीडियो को, इस क्लास को अपने सभी साथियों को भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह क्लास फेसबुक पर चलती थी, साथ ही साथ फेसबुक के साथ साथ यह हमारे यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही थी। ऑनलाइन क्लास के लिए 6363 6344367 पर व्हाट्सएप कर घर बैठे एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी की नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, घर बैठे हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लासेज जो कल से चलेंगी उन सभी का क्लास की शेड्यूल, क्लास की सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। अब जल्दी से पूछिए, आपके पास 120 सेकंड है, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जल्दी से फटाफट पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाते समय केवल एक सूत्री कार्यक्रम करता हूँ, केवल पढ़ाना, क्योंकि बात करने के लिए बाकी समय पहले सलेक्शन, ठीक, और जो लोग सलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं जो प्रतिदिन क्लास में है उन सभी को पता है, ठीक। थैंक यू आप सभी का, सबरन जी आपका भी धन्यवाद, किरण जी आपका भी धन्यवाद, रत्नेश जी आपका भी धन्यवाद, और सभी साथियों का धन्यवाद जो प्रतिदिन क्लास में आते हैं। चलिए, सुजीत जी आपका बड़प्पन है, अभी तक इंटरव्यू कोई सवाल नहीं है लेकिन हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी होगी, ठीक। क्वेश्चन में नंबर इसलिए नहीं डालते ताकि आपको पता ना चले कितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, ठीक है। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलिए मैं चलता हूँ, तब अगली क्लास के लिए फिर तैयार रहिएगा, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा, दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कल्पना जी आपका भी धन्यवाद, जो लोग प्रतिदिन क्लास में समय से रहते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर मिलते हैं, कल से ज़्यादा क्लासेज रहेंगी, ठीक, सभी क्लासेज आपको टेलीग्राम पर पता चलेंगी, कोई बात नहीं। किरण जी गलत होना तो स्वाभाविक बात है, गलतियों से तो सीखते हैं, क्या मैं पहली बार आया था, क्या मुझे सब आता था, क्या मैं तो पढ़ाते पढ़ाते सीख गया। पेपर टू के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, कल से पेपर टू के लिए भी क्लास चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय, चलते हैं तब, जय हिंद जय भारत। पेपर कब होगा उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसको वीडियो बजा के देखिए जी, MPTET के लिए परेशान ना हो आप लोग, चलते हैं तब, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, PDF एक दो दिन में थोड़ा सेंड होगा, थोड़ा सा दिक्कत, करेक्शन चल रहा है इसलिए PDF सेंड नहीं हो पा रहा था।